ऑल राइट गाइस, तो कैसे आप लोग? तो अभी अभी मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को कुछ लोगों ने डीएम करके बताया कि भाई यहाँ पर जो है वो मॉर्टल भाई और यहाँ पे थग भाई का जो चैनल है वो हैक हो गया है, एंड इनफैक्ट सारी वीडियोस को भी डिलीट कर दिया गया है, एंड चैनल पे एक लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है भाई। जो आप सभी लोग जानते हो कि कोई भी चैनल हैक होता है तो लाइव स्ट्रीमिंग वहाँ पे लोग करते हैं, एंड कुछ बिटकॉइन वगैरह का जो वो डोनेशन वगैरह मांगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक इंपॉर्टेंट बात। तो अगर आप मॉर्टल के चैनल पे पर अभी हो, अभी के लिए एज ऑफ नाउ उनका चैनल रिकवर नहीं हुआ, ठीक है? मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि उनका चैनल हैक कैसे हुआ होगा, ठीक है? तो देखो, आप लोगों ना कोई भी लिंक के ऊपर क्लिक मत करना, अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर एक नॉर्मल यूजर भी हो। तो हो सकता है अगर आप करोगे क्लिक तो हो सकता है आपका भी जीमेल वगैरह हैक हो जाए, आप लोगों का पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाए, ठीक है? तो सबसे पहले अभी उनका चैनल जो है वो सर्च में नहीं आ रहा है, ठीक है? जिन लोगों ने उनको मेंशन करके रखा है, जिन लोगों के पास चैनल लिंक है, वो उनके चैनल पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इनका चैनल रिकवर नहीं हुआ है। अभी मैं देख पा रहा हूँ उनके चैनल पे, अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे जो है वो वीडियो जो है वो टोटल 1.6K वीडियो है इनकी, एंड अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो 2 साल पुरानी मेरे को वीडियो शो कर रहा है जिसपे 14K व्यूज़ है। और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं लेकिन दो साल पुराने हैं। कुछ वीडियोज़ रिकवर हो गए हैं, एंड इन्होंने YouTube को ट्वीट करके भी बता दिया कि भाई हमारा चैनल हैक हो चुका है, थग भाई का और मॉर्टल भाई का चैनल हैक हुआ है, और मॉर्टल भाई का जो चैनल का नाम है माइक्रो स्ट्रेटजी US करके नाम रख दिया गया है, ठीक है? तो देखो, नॉर्मली जो चैनल्स हैक होते हैं ना दोस्तों, उसमें क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल जो इनके चैनल मैनेजर होते हैं ना, या फिर अगर मैं आपको बात करूँ, इंडिविजुअल मैं अपनी बात करूँ, तो अगर ये चैनल मेरा हैक होता है ना तो उसमें मेरी ही गलती होती है। मतलब किसी ने किसी लिंक पर क्लिक किया रहता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर PC में इंस्टॉल किया रहता है स्पॉन्सरशिप के चक्कर में, ठीक है? तो इस वजह से जो चैनल है वो हैक होते हैं। और ये कहने की दोस्तों, इसमें जो चैनल मैनेजर होती है ना उसकी ही गलती होती है, क्योंकि जो भी ब्रांड्स वगैरह होते हैं वो हो सकता है कि वही मैनेज करता हो या चैनल वैनल मैनेज करता हो, ईमेल वगैरह देखता हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कोई लिंक या फिर कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड होता है PC में, तो इस वजह से होता है। तो आप लोग देख पा रहे हो कि आई थिंक दोस्तों मॉर्टल भाई के चैनल मैनेजर कौन है मेरे को नहीं पता, शायद थग भाई हो, आई डोंट नो। अगर आपको पता है तो मेरे को कमेंट करके पता, ऐसी वीडियोस मैं बनाता नहीं हूँ, ठीक है? तो उनका भी चैनल हुआ है, साथ साथ हैक हुआ है। तो इससे सिंपली मतलब यही आप समझ लो कि भाई एक साथ दो बंदे का चैनल हैक हो रहा है, तो हो सकता है भाई कि जो हैक हुआ है मतलब एक ही PC से हुआ है, जिस PC में चीज़ें काम हुई है, जो चीज़ें करी गई है एक ही PC से कराया गया है, इसलिए दो बंदे का एक साथ हैक हुआ है। और दोस्तों उस PC में और भी किसी का चैनल होगा तो वो भी 100% हैक हो जाएगा, ठीक है? और चैनल जो वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, थग भाई का शायद रिकवर भी हो चुका है, ठीक है? मैं अगर सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब पर तो इनका चैनल जो है वो शो कर रहा है क्या? ओके, तो यहाँ पे 8-bit थग नहीं, इनका भी चैनल का जो नाम है वही है माइक्रो स्ट्रेटजी US करा हुआ है, ठीक है? तो इनका चैनल रिकवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों ये लोगों का, ठीक है? और यहाँ पे YouTube भी काम करना स्टार्ट कर दिया होगा, टेंशन नहीं लेने का, बस किसी लिंक पे मत क्लिक करना, ठीक है? इतना ही बोलूँगा, बाय।